ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम प्रतिदिन के समान हम और आप सभी भावों से मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़ेंगे और ऋषभगिरि पहुँचेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनश्च शांति विश्व शांति वर्ष के अंतर्गत ओम ह्रीं श्री शब्द ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह शांतिकारक नव तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज वैशाख शुक्ला दशमी है, भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान दिवस है। मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्तायो श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पुरा श्री गौतम स्वामी का स्मरण करेंगे हम और आप, कि जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम और आप सभी जैन वांग्मय का दर्शन कर रहे हैं। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः। पुनः हमने आज जिस ग्रंथराज को सामने विराजमान करके आपको उसका कुछ सार संक्षेप में कुछ सार बताने का भाव बनाया है, ऐसे इस षडखंडागम के मूल स्रोत ओम ह्रीं श्री धरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री धरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनः जिनसे ज्ञान प्राप्त करके दोनों महामुनियों ने इस षडखंडागम ग्रंथ की रचना की है, उन मुनियों के श्री चरणों में हम चलेंगे। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंताचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंताचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भूतबलियाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री भूतबलियाचार्य परमेष्ठिने नमः। पुनः धवला टीकाकार श्री वीरसेन स्वामी के चरणों में नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री वीरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीरसेनाचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप सभी बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली हैं जो भगवान महावीर की वाणी से सीधा संबंध रखने वाली ऐसी जिनवाणी जैन ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथों का भी दर्शन हम और आप कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से आचार्य श्री प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज जी की कृपा प्रसाद, उनका भी हम स्मरण करते हुए नमन करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री षडखंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षडखंडागम ग्रंथेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि वर्तमान में जितना भी उपलब्ध जैन वांग्मय, जैन श्रुत है, जैन आगम है, जैन ग्रंथ हैं, चाहे ताड़पत्र पर लिखे हुए हस्तलिखित हैं, चाहे कागज़ पर लिखे हुए हस्तलिखित हैं पुराने ग्रंथ, चाहे आचार्य श्री की कृपा प्रसाद से ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराए गए धवला आदि ग्रंथ और मुद्रित ग्रंथ, इन सभी में मुख्य रूप से तीन ग्रंथों को, तीन प्रकार के ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ संज्ञा दी है। वैसे सभी सिद्धांत के अंश हैं, फिर भी तीन ग्रंथों को मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ कहा है। और काल शुद्धि द्रव्य क्षेत्र काल शुद्धि का जो विधान है षडखंडागम ग्रंथ में मूलाचार में, उनके अनुसार ही इनका वाचन इनका पठन पाठन होता है। वह हैं तीन ग्रंथ षडखंडागम, जिनके ऊपर धवला टीका उसका हिंदी अर्थ सहित प्रकाशित हुए 16 ग्रंथ हैं षडखंडागम धवला टीका सहित, जिसे धवला ग्रंथ भी कहते हैं। और महाबंध जो है इसी का छठा खंड, षडखंडागम का छठा खंड महाबंध, उसे जय धवला के नहीं कसाय पाहुड़ सूत्र जो है महाबंध, जो श्री गुणधर आचार्य के द्वारा रचित और जिस पर श्री यति विश्वाचार्य ने 14 सूत्र टीका की, उसकी भी श्री वीरसेन आचार्य ने जय धवला नाम से टीका की है, तो जय धवल नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उनको भी हिंदी में अनुवाद होकर 16 पुस्तकें उसकी भी छपी हैं जय धवला की।
और तीसरा माना जाता है महाधवल, जो कि षटखंडागम में भी छठा खंड है महाबंध, उसे महाधवल भी कहते हैं। ऐसे ये तीन प्रकार के ग्रंथ सिद्धांत की कोटि में आते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की शुद्धि पूर्वक इनके पढ़ने का विधान है। और ध्यान में रखें कि सिद्धांत ग्रंथों के पढ़ने का विधान मुनि और आरिकाओं को प्राप्त है। श्रावकों के लिए भले ही निषेध किया, लेकिन वर्तमान में प्रकाशित होने से साधुओं के सानिध्य में जो वाचना होती, विद्वान लोग वाचना करते हैं, पंडित लोग, वो श्रावक ही हैं। और हिंदी अनुवाद भी आचार्य श्री की आज्ञा से उन विद्वानों ने किया है और ब्रह्मचारिणी बहनों ने भी किया है, ब्रह्मचारिणी ने भी किया है, तो वो वर्तमान में उसी षटखंडागम ग्रंथ पर धवला टीका का आधार लेकर के मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। भव्यात्माओं, वो मंगलमय प्रभात हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र पर सन 1995 में वीर निर्माण सम्मत था 2521 शरद पूर्णिमा के दिन महामहोत्सव हो रहा था। मैंने मंगलाचरण किया और संकल्प किया, भावना बनाई कि षटखंडागम ग्रंथ पर मैं सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का प्रयास करूंगी। उसका मंगलाचरण पहले मैं आपको सुनाऊं। सिद्धांत सिद्धार्थ सिद्धांत सिद्ध्यर्थ मानम्य सर्वांस्त्रैलोक्य मूर्धगान इष्टः सर्वक्रियान्ते सौ शांति सो हृदि धार्यते। ये मंगलाचरण मैंने किया। भव्यात्माओं, सिद्धांत सभी सिद्ध भगवंतों को नमन किया है पहले मैंने। वो कैसे हैं सिद्ध भगवान? सर्वान सभी सिद्ध भगवान जो हैं त्रैलोक्य मूर्धगान, जो त्रैलोक्य तीन लोक के मस्तक पर विराजमान हैं, तीन लोक के मस्तक पर सिद्ध शिला से भी ऊपर विराजमान हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। उन सभी सिद्धों को सिद्ध्यर्थम आनम्य, सिद्धि के लिए, संपूर्ण कार्यों की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि और शुद्धि के लिए और सभी कार्यों की सिद्धि के लिए, और जो मनोरथ मेरा टीका लिखने का उसकी भी सिद्धि के लिए आनम्य नमस्कार करके, पुनः इष्टः सर्वक्रियान्ते असौ शांति सह, शांतिनाथ भगवान जो सभी क्रियाओं के अंत में सभी जितनी भी श्रावकों की और मुनियों की भक्ति पाठ आदि क्रियाएँ होती हैं, पूजन आदि क्रियाएँ होती हैं, चाहे नित्यमय हो चाहे विशेष नैमित्तिक आयोजन बड़े बड़े हों, विधान आदि सभी के अंत में शांति पाठ किया जाता है, शांति भक्ति पढ़ी जाती है, शांति जिनम सच निर्मल वक्तम आदि, हिंदी में शांतिनाथ मुख सचिव निहारी, ऐसे जो शांतिनाथ भगवान और जो हस्तिनापुर में जन्मे, जिनके चार चार कर्नाटक हस्तिनापुर में हुए हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान इष्टः सर्वक्रियान्ते असौ, जो सभी क्रियाओं में सभी भक्ति पाठ आदिकों में इष्ट मान्य प्रसिद्ध हैं, ऐसे शांति सा शांतिनाथ भगवान को हृदय धारयते, हृदय में मैंने विराजमान किया, हृदय में मैं धारण करती हूँ, हृदय में उनको धारण किया, उनको नमन किया। भव्यात्माओं, इस प्रकार से मंगलाचरण का पहला मंगलाचरण है। इसमें 17 श्लोक है प्रारंभ में, उसमें मंगलाचरण में दूसरे श्लोक में मैंने त्रैकालिक तीनों कालों के जो अरहंत भगवान, अरहंत त्रैकालिकान अरहतो नंतान नंतांश चतुर्विंशत तीर्थकरान, त्रैकालिक जो अरहंत भगवान अनंत चौबीसी तीर्थंकर भगवान, चूँकि भूतकाल में भी अनंत चौबीसी हो चुकी हैं, वर्तमान की चौबीसी और भविष्य में अनंत चौबीसी होएंगी त्रैकालिक, ऐसे ऐसे अनंत चौबीसियों को नमन किया। और श्रीमंधरादि तीर्थ ऐशान नुमः सर्वार्थ सिद्ध है।
सिवंदर आदि 20 तीर्थंकर जो विद्वान है वर्तमान में विजय क्षेत्र में विद्वान है, जम्बूद्वीप के विजय क्षेत्र में 4 तीर्थंकर, धाती खंड के दोनों तरफ के विजय क्षेत्रों में 4-4 से 8 तीर्थंकर, और पुष्करार द्वीप के पूर्व और पश्चिम में 4-4 तीर्थंकर, ऐसे 20 तीर्थंकर जो विद्वान हैं अभी, जिनके सोहसण बने हुए हैं और जो सोहसण में विराजमान हैं, साक्षात मध्यलोक में विराजमान हैं, जिनके सोहसण रचे हुए हैं, जिनके सोहसण में जो दिव्य ध्वनि खिल रही है, ऐसे सिवंदर आदि 20 तीर्थंकरों को भी नमस्कार किया। पुनः शांति कुंथर तीर्थे शाम हस्तनाग पुरेस्तुमः, हस्तनाग पुरीमस्तुमः, गर्भ जन्म तपो ज्ञान ही पूताम ताश्च विशुद्ध है। पुनः श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ उनको नमन किया और हस्तनापुर को भी नमन किया कि जो गर्भ जन्म और ज्ञान दीक्षा और ज्ञान चारों कल्याणकों से पवित्र, तीनों तीर्थंकरों के 4-4 कल्याणकों से पवित्र है, और ये तीनों तीर्थंकर तीर्थंकर पद के धारक हुए हैं 16वें 17वें 18वें और चक्रवर्ती भी हैं 5वें 6वें 7वें और कामदेव हुए हैं 12वें 13वें 14वें ऐसे कामदेव, ऐसे तीन तीन पदवी से विभूषित तीनों भगवंतों को नमन करके हस्तनापुर तीर्थ को भी नमन किया। इसके अनंतर सरस्वती को नमन किया, जो सरस्वती माता जिसकी कृपा प्रसाद से आज हम और आप कुछ जैन वाङ्मय को समझने किया कि योग्यता रखते हैं, ऐसी सरस्वती माता अष्टादश महाभाषा लघु सप्त शतान्विता द्वादशाङ्गमयी देवी सा चित्ताब्जेऽवतार्यते। 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा स्वरूप द्वादशाङ्गमयी जो सरस्वती माता हैं सा हृदयाब्जे अवतारते, उनको मैं अपने हृदय कमल में अवतरित करती हूँ, विराजमान करती हूँ, उनके हृदय कमल में विराजमान किया मैंने। अनंतर इसके अनंतर सर्वे वृषभ सेनादि वीरांगजा अंत्यज, श्री सर्वप्रथम मुनि कौन हुए हैं, गणधर पद को प्राप्त प्रथम वृषभ सेन मुनि, तीर्थंकर के बाद जिन्होंने पहली दीक्षा ली है वृषभ सेन मुनि, भगवान के तृतीय पुत्र। कई बार सभा में प्रश्न होता है कि भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे, सहज भक्तगण बोल पड़ते हैं 2 भरत और बाहुबली, कोई कोई ये भी बता देते हैं कि 101 पुत्रों में तृतीय पुत्र हैं ऋषभ सेन भगवान के, जो प्रथम गणधर हुए, आगे 8 के नाम प्राप्त हैं, ऐसे 101 पुत्र भगवान के हुए हैं, उनमें से ऋषभ सेन प्रथम मुनि हुए, गणधर देव उनसे लेकर के, और अंतिम जो पंचम काल के अंत में होंगे वीरांगज मुनि, वहाँ तक सभी 1452 अथवा तिरुवण्णति के अनुसार 1459 गणधर देव 24 तीर्थंकरों के, और सभी मुनि भगवान ऋषभ देव के समय से लेकर के जितने भी मुनि आज तक हुए हैं उनकी संख्या असंख्यातों असंख्यातों हो जाएगी। 14 लाख राजाओं तक तो परंपरा चली इच्छाकु वंश में मुनि होकर मोक्ष जाने की, सगर चक्रवर्ती और उनके 60,000 पुत्र सभी मोक्ष गए आदि, कितने कितने असंख्यातों असंख्यातों महापुरुष 24 तीर्थंकरों के काल में और मध्य काल में मोक्ष गए हैं, और आगे इस पंचम काल में भले ही मोक्ष नहीं जा रहे हैं लेकिन मुनि हो रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु सभी, इसमें सब प्रकार के मुनि आ गए, गणधर देव भी आ गए, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु भी, दिनकल्पी स्थविरकल्पी अनेक प्रकार से भेद हैं उनके, पुलाक वकुल कुशीर निर्गंध स्नातक सभी मुनियों को, अंतिम पंचम काल के अंत तक होने वाले सभी मुनियों को नमन किया। इस 5वें काव्य में पुनः श्रीधरसेनाचार्यम श्रुताब्देह पारगम गुरु श्रुताब्देह पारगम नमः सिद्धांत ज्ञानम अद्यापि यत् प्रसादाथि दृश्यते।
श्री दर्शनाचार्य को नमन किया कि जिनके प्रसाद से आज भी सिद्धांत ग्रंथ हमें दिख रहे हैं, सिद्धांत ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। पुष्पदंत गुरु, भूतबली गुरु को नमन करके और षडखंडागम ग्रंथ को भी नमन किया। इसके अनंतर श्री वीरसेन आचार्य जिनकी धवला टीका भव्यांत धवली कृतम, इस धवला टीका ने भव्यों के अंतःकरण को धवल उज्जवल कर दिया, निर्मल किया है, ऐसी धवला टीका को नमन किया। इसके बाद कलौ विंश शताब्दो यहाँ प्रथमाचार्य इष्टे नमस्चारित चक्रीशम तम श्रीमद शांति सागरम, प्रथमाचार्य श्री शांतार महाराज को, दीक्षा गुरु श्री वीरसार महाराज को नमन करके और अनंतर ब्राह्मी श्रेष्ठाम्बिका दिव्य, ब्राह्मी आदि जो माताएं हुई हैं, ब्राह्मी प्रथम आरिका गणनी माता और सुंदरी माता से लेकर के और अंतिम सर्वश्री आरिका जो होंगी वहाँ तक सभी आरिकाओं के को बंदामी करते हुए मैंने धर्मपुत्र आयु आरिका है, ये धर्म की पुत्री मानी गई हैं, धर्मपुत्र आयु आरिका। एकादशांग भ्रजाता सारिका पी चुलोचना है नमामस्ताम तथा नित्यम सिद्धांत ज्ञान लब्ध है। हरिवंश पुराण में आया है कि महासती सुलोचना ने जब दीक्षा ली है, आरिका बनी है, एकादशांग भ्रजाता 11 अंगी की पाठी हुई है, ऐसी आरिका सुलोचना को नमन किया, पुनः षडखंडागम ग्रंथ सिद्धांत ग्रंथ को नमन किया। और ये भावना भाई कि मैं प्रथम टीका, इस प्रथम खंड की टीका को मैं प्रारंभ कर रही हूँ। अब इसमें मैंने जो भावना व्यक्त की कि टीका मैं कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी, उद्धृत्य उद्धृत्य टीकांशान, देखिए कुछ टीका के अंश को मैंने उद्धृत किया है ज्यों की त्यों, और उसमें टिप्पण दे दिया है प्रायः कि किस ग्रंथ का, किस ग्रंथ से, किस पेज से मैंने क्या लिया है। टीका के अंश को कुछ उद्धृत किया, कुछ उसकी छाया की संस्कृत प्राकृत की, और कहीं उसे सरल करते हुए अपनी भाषा में, उसे अपनी संस्कृत भाषा में बनाया, और कहीं अन्य ग्रंथों के अनेकों उदाहरण ले लेकर के उसे पुष्ट किया उस विषय को। जैसे उदाहरण के लिए महामंत्र नमोकार मंत्र इसमें आया है मंगलाचरण में, और उस मंगलाचरण के नमोकार मंत्र को विस्तार से मैंने इसमें द्वासांग नीत है आदि, उसको मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से, नमोकार कल्प आदि ग्रंथों के आधार से, अनादि है नमोकार कल्प, नमोकार एक चिंतन आदि अनेक ग्रंथों के आधार से उसका विस्तृत विवेचन किया आदि। तो इस प्रकार से मैंने ये सब किया। इसमें मैंने ये भी उल्लेख किया कि इसमें आरिका चंदावती माता जी की प्रेरणा रही उस समय कि माता जी आप षडखंडागम ग्रंथ पर कलम अपनी लेखनी चलाइए, आग्रह किया था। और पुनश्च मैंने भावना क्या की है, 16वें काव्य में शारदे तिष्ठ मच्चित्ते यावद न पुनमाप्नुयाम प्रारब्ध कार्य में तद्धि तावत शक्तिम च देहि में। हे शारदे, हे जिनवाणी माता, हे शारदे माता, आप मेरे हृदय में विराजमान तब तक रहें, कब तक, जब तक कि मेरा यह प्रारंभ किया हुआ कार्य पूर्ण न हो तब तक मेरे हृदय में विराजमान रहें। ऐसी मैंने भावना भाई सरस्वती, और इसका नामकरण किया पुनः मैंने 17वें काव्य में, 17वें श्लोक में मैंने नामकरण किया, सिद्धांत चिंतामणि नाम धेया सिद्धांत बोधामृत दान दक्षा टीका भवेत् स्वात्म परात्मनोरि कैवल्य लब्धे खलु बीज भूता। इसका नाम मैंने रखा सिद्धांत चिंतामणि, सिद्धांत चिंतामणि नाम धेया, क्यों, सिद्धांत बोधामृत दान दक्षा, क्योंकि ये टीका सिद्धांत का जो ज्ञान, सिद्धांत बोध, सिद्धांत ज्ञान उसको देने में वो ही हुआ एक अमृत, सिद्धांत ज्ञान वो अमृत है, अमृत है आत्मा को अजर अमर बनाने वाला, ऐसा ये सिद्धांत ज्ञान रूपी अमृत उसको देने में कुशल, ऐसी ये टीका स्वात्म अपने लिए और पर के लिए भी कैवल्य लब्ध्यई
खलु बीज भूता, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में बीजभूत है टीका। इस प्रकार से मैंने मंगलाचरण करके और जयसेनाचार्य स्वामी के अनुसार मैंने सूत्रों का विभाजन किया है कि उपलब्ध 16 पुस्तकों में धवला टीका जो है उसमें 6000 सूत्र हैं और इसमें कितने हैं, इसमें 6841 आजकल मुद्रित पुस्तकों में 5 खंडों में सूत्र की गणना 6848 है, 6841 है। 6841 सूत्रों की गणना करके मैंने भूमिका बनाई है, पूरी भूमिका बनाई है। अब मैं मंगलाचरण करूं। रमो अरिहंतानम, रमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, रमो वज्झायानम, नमो लोये सव साहूनम, ये इसका मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण आचार्य देव ने धवला टीकाकार ने बनाया नहीं है, उन्होंने अनादि निहर इस महामंत्र को मंगलाचरण के रूप में रखा है। और इस मंगलाचरण की व्याख्या करते हुए श्री टीकाकार ने बहुत ही सुंदर शब्द कहे हैं। उन्हीं टीकाकार के शब्दों को मैंने जोगीच्छ टीका में रखा कि अरिहननाद अरिहननाद अरिहंता अरिर्मोहः, अरि को नष्ट करने वाले होने से वो अरिहंत कहलाते हैं। और अरि कौन है, मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म को अरि संज्ञा दी है। इस प्रकार से अरि माने मोहिनी कर्म को नष्ट करने वाले, अपने आत्मा से पृथक करने वाले, अपनी आत्मा से उसे दूर करने वाले, मोहिनी कर्म का घात करने वाले, अरिन अरिन कर्मारातीन मोहिनी कर्मारी मोहिनी कर्मारातीन हंती इति अरिहंता। इस प्रकार से ये पंक्ति मैंने जो की तो नमो अरहद्भ्यः, ये धवलाकार आचार्य की पंक्ति जो की तो रख करके, और मैंने टिप्पण में नंबर दे दिया कि षटखंडागम धवला टीका पुस्तक 1 पृष्ठ 43, मैंने टिप्पण में नंबर दे दिया। तो इस बात को आप में ध्यान रखें। अब मैं सार सार रूप में आपको ले चलूँगी। तो मैंने पहले आज आपको भूमिका सुनाई है और मैंने प्रारंभ में ही सूत्रों का विभाजन श्री जयसेनाचार्य के अनुसार सूत्रों का विभाजन पूरा कर दिया है कि कितने कौन कौन ग्रंथों में 16 ग्रंथों तक, कौन कौन ग्रंथों में कितने ग्रंथों में कितने कितने सूत्र हैं आदि पूरा विभाजन किया है। तो भव्यात्माओं, ये श्री वीरसेनाचार्य के धवला टीका के आधार को लेकर के और जो मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है इसमें जो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारे विषय अंतर्गर्भित किए हैं, हमारे और आपके लिए ये वरदान बने और हम और आप इस टीका के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध विशुद्ध करके अपने ज्ञान को केवल ज्ञान का बीज बनाए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो षटखंडागम ग्रंथ राज की जय।